हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो बस हम सब ने थोड़ा नाश्ता किया, नाश्ते में था तो हमने वो फटाफट से नाश्ता कर लिया, हल्का फुल्का नाश्ता, क्योंकि हम फिर यहाँ पे दाल पकवान हमने नाश्ता किया, फिर यहाँ पे आधे लोग हम जा रहे थे पाल से पहले नन्ही सी बच्ची सो रही थी, देख सकते हैं गाना बजाना भजन सब चल रहा था, बहुत ज्यादा एंजॉय किया हमने। और हमें सच में हम खाने से गए थे, हमें यहाँ से 4 घंटे का सफर था, 4 घंटे जाते समय बहुत ज्यादा एनर्जी हमें समय गाते बजाते चले पड़े। जाते समय हमें पता नहीं चला, आगे समय भी नहीं पता चला। एंजॉय तो खूब किया हमने, देख सकते हैं हमारी टोली कुछ मजेदार जी के मंदिर पहुंच गए। जो भी पाल घर के होंगे उन्हें पता होगा महालक्ष्मी जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, तो हमें दर्शन हो गए, आप सबके दर्शन कीजिए, माता रानी से मनोकामना पूरी करें, हर कोई हंसी खुशी रहे। तो हमें यहाँ पे दर्शन हुआ, दर्शन फटाफट करके हम फटाफट अपने बस स्टॉप पे पहुंच गए, बस स्टॉप पे पहुंच गए हम यहाँ पहुँच गए छोटा वृंदावन से, बहुत ज़्यादा फेमस है ये पाल। ये साथ में रहो बिट्टू, छोटा वृंदावन के नाम से। तो हमें यहाँ पहुँचते ही बहुत जोरों की लग गई थी धूप, तो हम सबसे पहले यहाँ कैंटिंग में गए, कैंटिंग लगाने के बाद हमने यहाँ पे नंबर लगाया, और फटाफट से नंबर लगाने के बाद हमने यहाँ पे चाय और ये सैंडविच, रुक जाओ। तो यहाँ हम सबसे पहले हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, नाश्ता विश्ता कर रहे थे, यहाँ पे
से बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें, बहुत ज़्यादा सुंदर ये जगह है। आप लोग मुंबई में हैं तो प्लीज़ यहाँ पालघर में विजिट जरूर करिए, बहुत शांति सुकून मिलता है। तो यहाँ पे गाय थी तो हमने गाय को भी चारा खिलाया और फिर यहाँ पे हम मंदिर की तरफ चल पड़े। यहाँ प्रसाद खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट था, प्रसाद पूजा होने जा रही थी, हम रुक नहीं पाए, हमें अफसोस था क्योंकि हमारी बस छूट जाती। हमें कहा गया था जल्दी जल्दी दर्शन करके आना है वरना बस छूट जाएगी। देख सकते कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है, ये बहुत ही अद्भुत, वाव क्या सीन है, देख सकते हैं आप सब। तो फिर हमने यहाँ पे दर्शन करके हमें और भी जगह जाना था, पर यहाँ जो निधिवन है हमने मिस कर दिया, हम नहीं दर्शन कर पाए निधिवन के। निधिवन के दर्शन हमने बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो हम नहीं कर पाए। चलो कोई भी नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करेंगे कि सब जगह विजिट कर सकें। ख्याति गाय ख्याति टिको इसका फोटो बना। बहुत प्यारी जगह है, भाई जाए क्या हो रहा था वहाँ, कृष्ण की नगरी है तो आप सब समझ ही सकते हैं कितनी पवित्र होगी। और कितना अच्छा लगा वहाँ जाकर, देखिए बाकी बिहारी जी के दर्शन कीजिए, सबकी मनोकामनाएं प्रभु पूरी करें। यहाँ बाकी बिहारी जी की आरती की तैयारी लगभग हो ही चुकी थी पर हमें बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, हम नहीं पहुँच पाए। तो हमने कहा कोई नहीं, हम यहाँ पे गायों को चारा वगैरह खिला करके हम यहाँ से फटाफट निकलने की तैयारी में थे। हमने गौ माता के आशीर्वाद लिए और फिर हम यहाँ इकट्ठा हो गए थे सब लोग। तो यहाँ पे आंटी मोदी जी आंटी इन्हें कहा जाता है, बहुत ज़्यादा कॉमेडी करती हैं, सबको हंसाती हैं। तो ये आंटी इतना हंसा रही थी कि हमें समय का पता ही नहीं चला और फिर सारे लोग धीरे धीरे करके इकट्ठा हो गए। 10,000 पगार है, 15,000 कैसे खर्चा करते हैं, कहता है दरअसल हमारी पगार होती है 20,000, घर में हम 10 बताते हैं, इसके लिए हम कर लेते हैं। इनके चुटकुले बहुत मज़ेदार होते हैं, सबने खूब इंजॉय किया। हमारी औरतें जब भी भगवान की पूजा करती है ना तो कहते हैं हे भगवान जो कुछ देना है मेरे पति को देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो देना मेरे पति से। तो एक दिन भगवान ने पूछ ही लिया, कहते हैं ऐसे क्यों बोलती हूँ, कहते क्योंकि हम पति से पैसा निकलवाना हमको आता है। सारा दिन भीख मांगता रहा और उसको 1 रुपया भी नहीं मिला, कहते हैं क्या करें, मस्जिद के बाहर चला गया, वहाँ भी उसको 1 रुपया नहीं मिला। जैन मंदिर के बाहर चला गया तब भी 1 रुपया नहीं मिला, फिर चला गया बियर बार के बाहर, बियर बार के बाहर गया उसका कटोरा इतना भर गया, कहता भगवान जाते किधर हो और किधर का देते हो। फिर यहाँ हम सब बैठ ही चुके थे, बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और हम थक